आज मैं आपको एक अजब प्रेम की गजब कहानी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, और इस अजब प्रेम की गजब कहानी के पात्र जो हैं, उनसे भी आप एकदम चित परिचित हैं। एक तरफ है बेल्ट्रॉन चाचा और दूसरी तरफ है उर्मिला चाची। इन दोनों का प्यार इतना अगार है कि आप उसके क्या ही कहने, कोई इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि इन दोनों के बीच में कितना प्रेम है। जी आप जानते हैं कि बिहार में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर स्टेनोग्राफर हो या फिर आपकी आईटी बॉय आईटी गर्ल हो, ये सारे पद जो है वह बेल्ट्रॉन के द्वारा भरा जाता है। यानी बेल्ट्रॉन पहले सीबीटी एग्जाम लेता है, सीबीटी एग्जाम लेने के बाद टाइपिंग टेस्ट लेगा और टाइपिंग टेस्ट लेने के बाद फिर जिस सरकारी विभाग से अधियाचना आती है उस विभाग को बेल्ट्रॉन जो है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर भेज देता है। लेकिन तभी यहां पर एंट्री होती है उर्मिला चाची, जो कि बेल्ट्रॉन चाचा के भाई बहुत करीबी हैं। तो उर्मिला चाची का बस इतना ही काम होता है कि जो भी बेल्ट्रॉन के कर्मी जाते हैं किसी विभाग में काम करने, उनका पेमेंट करना और उनका पीएफ सीएफ जो भी है उसकी देखभाल करना। अब एक आप बात सोचिए कि बेल्ट्रॉन चाचा जो हैं, वह सारे कर्मियों को जो वो अध्याचना के विरुद्ध भेजते हैं किसी कार्यालय में, तो उस पर वो 550 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं। अब एक अगर हम आंकड़ा मिलाते हैं, अगर कि मान लीजिए अगर 15 से 20 हजार भी अगर बेल्ट्रॉन के कर्मी होंगे सारे सरकारी कार्यालयों में और 550 रुपया चाचा जो है अगर लेते हैं सर्विस चार्ज, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपए हर महीना बेल्ट्रॉन चाचा जो है वह उन कर्मियों का हक मारते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि जो विभाग 1 करोड़ रुपए हरेक महीना सर्विस चार्ज के नाम पर अपने ही कर्मियों का पैसा लेता है, उसके बदले में उसको क्या देता है? तो उसके बदले में वो उसको ज्वाइन लेटर पर लिख कर देता है कि आप बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं हैं, आप बिहार सरकार के कर्मी नहीं हैं, और उनपे आउटसोर्सिंग का ठप्पा लगा देता है। अब आप सोचिए कि ये कितना प्रेम है बेल्ट्रॉन का कि वो बस इतना करने के लिए वो क्या करता है कि सारे अपने कर्मियों को उर्मिला चाची के सुपुर्द कर देता है कि जाइए ये आपके हुए और आप इनका पेमेंट तनख्वाह के बारे में देखिए और जो भी है इनका पीएफ सीएफ आप इनका देखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उर्मिला चाची बिना किसी लाभ के या बिना किसी लालच के ये काम सारे करती होंगी, उनको भी जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ तो भाई पुरस्कृत किया जाता होगा, कुछ ना कुछ राशि इनको भी मिलता होगा। अब उर्मिला चाची का एंट्री यहाँ पर केवल इसलिए होता है कि आपके अकाउंट से आपके जो तनख्वाह है उसमें से कितनी राशि को वो काट सके। आप जानते हैं कि आपके तनख्वाह से CGST और SGST के नाम पर लगभग 4,000 रुपए काट लिए जाते हैं। वैसे आपका तनख्वाह दिखाया जाता है 25,000 समथिंग, लेकिन आपके हाथ में आते आते वही तनख्वाह हो जाता है 17,244 रुपए। तो ये तो अजब प्रेम की गजब कहानी है भाई कि बेल्ट्रॉन चाचा जो है वह एग्जाम लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट लेते हैं और तनख्वाह देने के नाम पर वो हम लोग को भेज देते हैं उर्मिला चाची के पास, जाइए आप लोगों पे आउटसोर्सिंग का ठप्पा लग जाता है और आप आउटसोर्सिंग कर्मी कहलाएंगे और आपका पीएफ सीएफ जो है वो उर्मिला चाची देखेंगी। और वो भी उर्मिला चाची अपने काम के प्रति इतनी ईमानदार हैं कि आप अगर उनके ऑफिस में ना जाएं तो 5-5, 6-6 महीने का पीएफ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ही नहीं। उर्मिला चाची के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि चाची हमारा 1 साल का या 5 महीने का या 6 महीने का हमारा पीएफ अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तब उर्मिला चाची जो है वो आपका पीएफ जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट करती हैं। ये हाल चल रहा है बिहार में आजकल। आप देख रहे होंगे कि जहां नया साल चालू हुआ है और जो भी एक महापर्व है जो चुनाव आने वाला है लोकसभा, उसमें सारे विभाग जो है वह अपने अपने कर्मी के हित के बारे में सोचकर अपने अपने कर्मियों का वेतन बढ़ाने से लेकर और उनका जीवन जो है सुरक्षित करने का प्लान लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और उसको पास भी करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि विकास मित्र और तमिली मरकज जैसे बहुत सारे लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, यहाँ तक कि कार्यपालक सहायक लोग का भी तनख्वाह बढ़कर एक सम्मानजनक उनको तनख्वाह मिलने लगा, 26,000 से 28,000 से 30,000 तक उनका तनख्वाह बढ़ गया है। लेकिन वही हमारे बेल्ट्रॉन चाचा जो है वो अभी तक सुध नहीं ले पाए हैं कि उनके भी बेल्ट्रॉन के कर्मी है जो कि डाटा इंटरप्रेटर है, स्टेनोग्राफर है, आईटी बॉय आईटी गर्ल है, इनका भी भविष्य सुनिश्चित किया जाए। इसके बारे में बेल्ट्रॉन चाचा को कोई चिंता नहीं है, उनको बस चिंता है कि उनको 550 रुपए मिल रहे हैं सर्विस चार्ज के रूप में। वो आपके हित को दिखाने के लिए बस इतना ही करते हैं कि लेटर निकाल देते हैं कि जाइए आपका हम 3 महीने का एडवांस पेमेंट अपने पास मंगा लेंगे और आपका हर एक महीना पेमेंट हम देंगे। ज्यादा खुश होंगे तो आपको छुट्टी दिलवा देंगे कि चलिए आपको भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, और ज्यादा खुश होंगे तो एक लेटर निकाल देंगे कि जो भी आपका सेवा वापसी होता है तो वो अब पूछते हैं उस कार्यालय से कि आप नीचे लिख कर दीजिए कि यह कर्मी जो है वह फिर से पुनर्नियोजन के काबिल है कि नहीं है।
जहां एक तरफ सभी विभाग जो है अपने अपने कर्मी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं, वहीं हमारे बेल्ट्रॉन चाचा हैं जो ऐसा ऐसा लेटर निकालते हैं जिससे कि हमारा भविष्य जो है और अंधकार में डूब जाता है। तो बेल्ट्रॉन चाचा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उर्मिला चाची का चक्कर थोड़े दिन तक छोड़ दीजिए, और जो आपके कर्मी हैं जो वास्तव में आपके लिए लाभदायक हैं, जिसका आप सर्विस चार्ज काटते हैं, कम से कम उनके भविष्य के बारे में सोच लीजिए। क्योंकि ये जो महापर्व आ रहा है चुनाव, इसके पहले आप सरकार से जो कुछ भी मांग सकते हैं सरकार आपको दे देगी। तो आप अपने कर्मियों के बारे में सोचिए, जैसे कार्यपालक सहायकों का तनख्वाह बढ़ गया, वैसे थोड़ा हम लोग के भविष्य के बारे में सोच लीजिए, थोड़ा अच्छा प्लानिंग कीजिए, जाइए चीफ मिनिस्टर से मिलिए, वहां पर उनसे पास करवाइए। अरे चाची है तो चाची रहेंगी, हरदम रहेंगी, लेकिन आपके जब कर्मी है तभी आपकी चाची भी है। जब हम कर्मी बैठ जाएंगे छोड़ छाड़ कर सब काम, तो आपकी चाची भी फिर कोई काम नहीं कर पाएंगी। तो आप लोग का प्यार अमर रहे, हम यही आशा करते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा हम लोग के हित के बारे में सोचिए और एक अच्छा सा प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करके चीफ मिनिस्टर के पास जाइए और हम लोग के तनख्वाह के बारे में थोड़ा सोचिए कि हम लोग का भी तनख्वाह जो है वह बढ़ना चाहिए। अरे नया साल आ गया, फिर महापर्व आने वाला है, नया साल में सब लोग सोचते हैं कि चलो हमारे कंपनी जो है, हमारा विभाग जो है वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेगी, लेकिन आपके कान पर तो जू तक नहीं रेंग रहा है, लग रहा है कि आप अपने कान में तेल डालकर सो गए हैं चुपचाप। तो आपसे करबद्ध निवेदन है महाशय बेल्ट्रॉन चाचा जी, कि कृपया हम लोग के बारे में कुछ सोचिए, हम लोग के भविष्य के बारे में कुछ सोचिए, और जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलिए और हम लोग का तनख्वाह के बारे में कुछ सोचिए।